मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये मैक एयर ऑल इन वन आया हुआ है। इसका मॉडल है ये 13-12। इसका मॉडल देखने के लिए हमें इसके बैक साइड में किसी किसी में मिलता है, जैसा कि हम देख सकते हैं, तो हमें किसी किसी में इसके नीचे मिलता है यहाँ पे, और किसी किसी में ऐसा होता है कि हमें ये मैक नीचे पलट के इधर देखना पड़ता है। इसमें यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर 81312। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1312 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास मैक एयर जो आया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑन नहीं होता था, ये डेड में आया था मशीन। तो हमने इसको खोला। इसका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज जो होता है वो इसकी स्क्रीन होती है। इसका स्क्रीन खोलने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है इस मैक एयर के लिए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो नॉर्मल सी चीज नहीं है ओपन करने के लिए सभी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो संभालने वाली चीज होती है वो होती है इसकी स्क्रीन को ओपन करना। इसकी स्क्रीन बहुत ही आराम से ओपन किया जाता है। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दीबाजी दिखाई तो इसका जो स्क्रीन है वो डैमेज हो जाती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हमें इसका स्क्रीन का जो है खोलते टाइम बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा, तभी ये आराम से ओपन हो सकती है, तभी ये सही से चलेगा। अभी तो हमने इसको स्क्रीन को निकाल दिया है, स्क्रीन को बाहर रख दिया है। उसके बाद इसका यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, वो पावर सप्लाई भी हमने निकाल दिया है। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करके इसके सारे मदरबोर्ड निकालेंगे। आप देख सकते हैं वैसे इसमें जो हीटिंग वाला होता है इसमें डबल फैन लगा हुआ है, एक फैन यहाँ पर है, एक फैन यहाँ पर है। उसके अलावा नॉर्मल में अगर हम देखते हैं तो हीटिंग के लिए एक ही थर्मल लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसमें दो थर्मल लगे हुए, एक थर्मल ये रहा, दूसरा थर्मल ये रहा। तो इसमें काफी अच्छे से दिया गया है ताकि आपकी मशीन जो है वो जल्दी हीट ना हो, जल्दी प्रॉब्लम ना करे। नॉर्मल चीजों में यही होता है मशीनों में कि जब हीटिंग ज्यादा होती है तभी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम तभी आती है जब ये लिक्विड डैमेज में आता है। इसमें लिक्विड डैमेज कोई हुआ था जिसकी वजह से ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आई है। तो अभी हम इसको खोला है और इसका पूरा मदरबोर्ड निकालने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम कहाँ है और इसको रिपेयर करते हैं। अगर आपके भी किसी भी लैपटॉप में एप्पल हो, HP हो, डेल हो या फिर लिनोवा हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर दिल्ली NCR का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर है। तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर इसको रिपेयर करते हैं।